और क्या हाल चाल दोस्तों, साल के सबसे पहले वीडियो में आपका स्वागत है और डिजिटॉटी टीम की तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। अब कमेंट में कोई जाके ये नहीं बोलेगा कि भाई को अपने चैनल का पासवर्ड याद आ गया। यार ट्राई बहुत कर रहे हैं वीडियोस बनाने की। 2024 का हमारा रेजोल्यूशन यही है कि हम एकदम कॉन्स्टेंटली हर वीक 2 वीडियोज डालेंगे, तो यार देखते हैं कितना कर पाते हैं, बट हम अपना बेस्ट ट्राई करेंगे। तो हर साल की बात है, इस साल भी Redmi ने अपना Note 13 सीरीज लॉन्च कर दिया है, जिसे मैं लगभग 6 दिन मतलब कह सकते हैं कि 1 हफ्ते से यूज कर रहा हूँ। और इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में बात करेंगे कि Redmi Note 13 सीरीज एक्चुअली में यूज करने में कैसा है, मैंने यूज किया तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है। तो चलो लेट्स बिगिन। हमने तो इस डब्बे को 1 हफ्ते पहले ही खोल दिया था। इसके अंदर आपको वही नॉर्मल चीजें मिलती है, 33 वॉट का चार्जर मिल जाता है, ये फोन मिल जाता है और ये एक कवर मिल जाता है। सच बताओ तो इस कवर की क्वालिटी मुझे काफी सही लगी। नॉर्मली जो भी TPU केसेस आते थे भाई, वो यूज करते करते पीले हो जाते थे, बट ये केस ऐसा है जो दिखने में भी काफी अच्छा लगता है और फोन हाथ में भी होल्ड करो तो मेरे को काफी अच्छा फील हो रहा है। अब आते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस पे। तो मैंने इस फोन को कवर लगा के भी यूज किया है और कवर से हटा के भी यूज किया है और फोन पकड़ने में मेरे को तो काफी अच्छा फील हुआ। मतलब ऐसा लगता नहीं कि आप एक बहुत भारी सा बल्कि फोन यूज कर रहे हो। इस फोन में 5000 mAh की बैटरी है, फिर भी ये फोन काफी ज्यादा लाइट वेट फील होता है। मतलब मैंने स्टूडियो में सबको ये फोन दिखाया और सबने बोला कि वो भी करेंटली जो भी फोन यूज कर रहे हैं उससे भी ये फोन उनको हल्का फील हुआ। इसके पीछे के साइड में आपको मार्बल फिनिश दिखता है, ऐसे धूप वगैरह या लाइट वगैरह में ये साइन करता है तो डिट्टो ऐसा लगेगा कि फोन के पीछे इन्होंने मार्बल लगा दिया है। फोन पे फिंगरप्रिंट स्मजेस मेरे को नहीं दिखे, मैंने बहुत बार इस पे फिंगरप्रिंट लगाया बट कहीं और कभी भी मुझे फिंगरप्रिंट के स्मजेस नहीं दिखे। ऊपर की तरफ है हेडफोन जैक जो कि नॉर्मली गाने वाने अगर सुनने हो तो ये काफी हेल्पफुल हो जाता है, नहीं तो ब्लूटूथ वाले ईयरफोन खरीदो यूज करो। तो सही बताओ ना तो वायर्ड ईयरफोन में जो साउंड की क्वालिटी आती है वो भाई वायरलेस में तो भूल ही जाओ, एंड कॉल एक्सपीरियंस भी समझ सकते हो वायर्ड में एकदम नेक्स्ट लेवल मिलता है। तो उस हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, नहीं तो आपको 1000 लगा के और टाइप सी 2 3.5 mm जैक वाला खरीदना पड़ेगा, तो वो खर्चा आपको इसमें बच जाता है। ऊपर की तरफ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो है इसका IR ब्लास्टर सेंसर। सीरियसली बताऊं तो ये चीज काफी सही से MI दे रही है, Redmi दे रही है, जो भी आप बोल लो, और ये चीज पर्सनली मुझे काफी सही लगती है। कहीं भी आप बैठे हो, AC को ऑन ऑफ करना है, रिमोट आपके पास नहीं है तो आप सारे रिमोट अपने फोन में डाल सकते हो, कंट्रोल करो, ये तो सबको पता ही होगा। तो एक छोटी सी IR ब्लास्टर पता नहीं और ब्रांड्स क्यों नहीं देते हैं, ये चीज इसमें है तो इस फोन को इसके लिए एक प्लस पॉइंट जाता है। इसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है, यानी 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड आप आराम से इसमें लगा सकते हो। ये भी चीज काफी फोन्स में से चली जा रही है, तो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट आप मान सकते हो। ये फोन आता है MediaTek Dimensity 6080 के साथ और इसका जब हमने एंड्रॉइड स्कोर चेक करा तो ये 4300 के अप्रॉक्स का आया था, जो कि इसके प्राइस के हिसाब से एक काफी अच्छा स्कोर है। इसमें आप मैक्स HD हाई ग्राफिक्स पे गेम खेल सकते हो, BGMI वगैरह खेल सकते हो। मैंने इसमें काफी गेम्स खेले, ओके एक्सपीरियंस मिल जाता है। मतलब वैसा कुछ नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस मत समझो, थोड़े बहुत वॉर्म फोन होंगे, थोड़ा बहुत ही होता है, ज्यादा नहीं होता, बट गेमिंग के लिए ये फोन नहीं बना है, ये फोन डे टू डे लाइफ के लिए बना है और उसमें ये काफी अच्छे से काम कर जाता है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसका सबको इंतजार होता है, इसका कैमरा। इसमें आपको मिल जाता है सैमसंग का HM6 आइसोसेल HM6 सेंसर है इसमें, जो है 108 मेगापिक्सल का, और इसमें आपको एक मैक्रो कैमरा मिल जाता है। तो अब आते हैं ओवरऑल रिव्यू पे। तो भाई फोन सच में पीछे से काफी सुंदर दिखता है, फोन अगर हाथ में होल्ड कर रहे हो तो काफी प्रीमियम भी फील होता है। मतलब ऐसा आपको लगेगा नहीं कि आप 10-15 हज़ार का फोन होल्ड कर रहे हो, उस मामले में ये फोन बहुत अच्छा है। रही बात प्रोसेसर की तो थोड़ा बहुत मे बी आपको लैग मिल सकता है इन फ्यूचर, अभी तो एकदम परफेक्टली चल रहा है क्योंकि नया फोन है यार, क्या ही दिक्कत होगा, तो मे बी फ्यूचर में आपको थोड़ा बहुत लैग मिल सकता है। और रही बात कैमरे की तो बैक कैमरा अच्छा खासा फोटोज ले लेता है प्राइस के हिसाब से। फ्रंट कैमरा प्राइस के हिसाब से मेरे को उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, मतलब थोड़ा और बेटर हो सकता था। मेनली खेल ऑप्टिमाइजेशन का है, कैमरा तो सेंसर यार अच्छा ही है बट ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा सा दिक्कत है, जिस वजह से थोड़े से फेडेड इमेजेस मुझे दिखाई दिए। प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो मुझे ओके लगा है, उतना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, बट प्राइस देखोगे तो प्राइस के हिसाब से चलो ठीक है, काम चल सकता है। अगर आपको हेवी काम करना है तो इस फोन को मत लेना, घर पे अगर मम्मी पापा अगर नॉर्मली यूज करते तो उनके हिसाब से ये सही है, अगर आप भी नॉर्मल यूज करते हो तो आपके लिए भी सही है। कैमराज वगैरह ओके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।